अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। आपको बता दें कि इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार अर्णव गोस्वामी को 7 दिन बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। अर्णव के साथ ही इस मामले में 2 अन्य आरोपियों नीतीश सारदा और फिरोज मोहम्मद शेख को भी जमानत दे दी गई। साथ ही कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस आदेश पर तत्काल अमल करने के भी निर्देश दे दिए हैं। अर्णव की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उद्धव सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकारें किसी को निशाना बनाए तो उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। अर्णव अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनसे कहा था कि अंतरिम जमानत के लिए उनके पास लोअर कोर्ट का भी विकल्प है, लेकिन 4 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद ही अलीबाग सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत नामंजूर कर दी थी। हालांकि अलीबाग कोर्ट ने पुलिस को रिमांड ना देते हुए अर्णव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्णव गोस्वामी और 2 अन्य आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले की जांच के दौरान वो पूरा सहयोग करेंगे। 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वे नाइक और उनकी मां ने खुदकुशी कर ली थी। अन्वे की पत्नी ने सुसाइड लेटर में अर्णव का नाम होने के बावजूद कार्रवाई ना होने पर सवाल उठाया था। इसके बाद रायगढ़ पुलिस ने अर्णव और 2 अन्य लोगों को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था। बाद में अदालत ने उन्हें 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अर्णव फिलहाल तलोजा जेल में बंद हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।